तेजी से बदलते इस दौर में कुछ युवा ऐसे भी है जो अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से भलीभांति परिचित है। ऐसा ही कुछ विकलांग व्यक्ति के साथ घटित हुआ जब सत्यम साड़ी सेंटर के संचालक एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बालपांडे को पता चला कि उक्त व्यक्ति पोलियो से पीड़ित होने के साथ ही बढ़ती उम्र और परिवार की जवाबदारी ठीक से निभा पाने में असमर्थ है। तो उनकी मदद करने की चाहत में पहले सरकारी स्तर पर दिव्यांगों को मिलने वाली तीन पहिया साइकिल के प्रयास किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिलती देख उन्होंने खुद ही तीन पहिया रिक्शा खरीद कर माताखेड़ी सावनेर निवासी दिव्यांग मनोहर लक्ष्मण बनाई को प्रदान कर इंसानियत आज भी जीवित है का परिचय दिया। इससे पहले भी प्रकाश बालपांडे ने नगर परिषद सावनेर को शवर शीतकरण यंत्र भेंट किया था, जिसका लाभ शहरवासियों को मिल रहा है। 9 फरवरी की शाम वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व नगर सेवक डोमसाव सावजी, शिवसेना के गेंदालाल कामले, विनोद वालके, सुरेंद्र पलेरिया आदि की उपस्थिति में दिव्यांग व्यक्ति को नया थ्री व्हीलर रिक्शा प्रदान किया गया। उस वक्त दिव्यांग के हाव भाव देख आभास हुआ कि उन्हें जीने को भी पंख मिल गए हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढुंडेले सावनेर।